कहानी उन तीन भाइयों की जो राष्ट्रपति को अपनी जेब में रखते थे, अपनी मर्जी से देश चलाते थे। यूपी के सहारनपुर से निकले गुप्ता ब्रदर्स ने जो किया वो गांधी ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। जूते की दुकान से ऊंचे ऊंचे मकान और अरबों की कंपनियां तक कैसे पहुंचे करप्शन किंग गुप्ता ब्रदर्स। साल 1983 में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि 100 साल बाद उनके देश से एक ऐसा लड़का निकलेगा जो वहां की सरकार चलाने लगेगा, सिस्टम को धत्ता बताने लगेगा। छोटे मोटे अधिकारियों और नेताओं की तो बात ही क्या, सीधा राष्ट्रपति को ही अपनी जेब में कर लेगा। ये कहानी उन तीन भाइयों की है जिन्होंने 25 साल तक साउथ अफ्रीका में ऐसी धाक जमा कर रखी कि बड़े बड़े मंत्री भी इनसे डरते थे। प्रिटोरिया एयरबेस जो वहाँ के वीवीआईपी के लिए था, वहाँ ये खुद विमान से उतरते थे। इनका रसूख कैसा था वो हम आपको बताएं, उससे पहले जान लीजिए कि अभी क्या हुआ है ताकि आपको सारी कहानी आसानी से समझ आ सके। दरअसल अप्रैल 2021 में साउथ अफ्रीका और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की सरकार ने एक प्रत्यर्पण संधि की थी जिसके मुताबिक दोनों देशों का कोई भी गुनहगार कहीं छिपा होगा तो दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। चार साल से गुप्ता ब्रदर्स की तलाश में जुटी साउथ अफ्रीका की पुलिस को दुबई पुलिस ने कहा कि हमने अतुल गुप्ता और राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। अजय गुप्ता के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जैसे ही गिरफ्तारी की बात सामने आई हर तरफ गुप्ता ब्रदर्स की चर्चा होने लगी। ऐसे में कौन है, इन पर क्या आरोप है और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति से इनकी कैसी नजदीकियां थी वो सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि ये तो अंबानी से भी अमीर बनने की चाहत में थे। लेकिन हर बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है, इसलिए फंस गए। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1993 से जब साउथ अफ्रीका पूरी तरह से रंगभेद की नीति से मुक्त होने वाला था। गांधी जी के शिष्य नेल्सन मंडेला इस आंदोलन के नायक बने थे और पहली बार लोकतांत्रिक चुनाव होने वाले थे। उसी वक्त यूपी के सहारनपुर में रहने वाले शिव प्रकाश गुप्ता अपने तीन बेटों को ये कह रहे थे कि अगर बिजनेस करने जाना है तो साउथ अफ्रीका जाना, वो अगला अमेरिका बनेगा। ये बात उनके दो बेटों अजय और राजेश को रास नहीं आई, लेकिन मंझला बेटा अतुल गुप्ता पिता की दूरदृष्टि समझ गया और वो बैग पैक कर साउथ अफ्रीका के लिए निकल गया। उधर अजय गुप्ता ने रूस और राजेश ने चीन को चुना, मतलब परिवार शुरू से ही ज्यादा गरीब नहीं था, क्योंकि जो विदेशों में बिजनेस की सोच सकता है वो गरीबी से निकला हुआ आदमी तो बिल्कुल नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन पिता का धंधा छोटा मोटा ही था। वो सोप स्टोन पाउडर जो सिंक और फर्श बनाने में लगता है वो बेचते थे, जबकि तीनों बेटों ने बड़ा होकर दिल्ली में शिव कुमार गुप्ता के नाम से मार्केटिंग कंपनी खोल ली थी जो मसाले का कारोबार करती थी। चूंकि बिजनेस का अनुभव पहले से ही था इसलिए अजय गुप्ता ने साउथ अफ्रीका जाते ही जूते का कारोबार शुरू कर दिया। 1993 का वो दौर साउथ अफ्रीका में हर बिजनेसमैन के लिए काफी शानदार था। जब अजय को लगा कि धंधा कुछ और करना चाहिए तो फिर सहारा कंप्यूटर नाम की कंपनी खोल ली। विदेशों से पार्ट्स मंगवाते फिर उसे असेंबल कर बेचते थे। जब कारोबार चल निकला तो दोनों भाइयों को भी बुला लिया। साल 1994 में इन्होंने 1.94 मिलियन रेंट जो कि अफ्रीकी मुद्रा है बिजनेस की शुरुआत की और 3 साल में ही ये कंपनी 97 मिलियन रेंट तक पहुंच गए। अब तक इनका रोल सिर्फ बिजनेस में था, तभी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। जैकब जुमा जो वहाँ के राष्ट्रपति बनने का सपना देख रहे थे उनसे इन गुप्ता भाइयों ने अच्छी दोस्ती कर ली, क्योंकि इन्हें कारोबार में मदद चाहिए थी और उन्हें अपना प्रचार। गुप्ता भाइयों ने प्रचारक के लिए एक अखबार द न्यूज एज और एक चैनल ANN7 खोल दिया। इसमें इतना प्रचार हुआ कि आगे चलकर जैकब जुमा उपराष्ट्रपति से सीधा राष्ट्रपति बन गए। हालांकि उससे पहले भी नजदीकियां तो थी ही, लेकिन फायदे नहीं मिल रहे थे। अब राष्ट्रपति बनने के बाद तो जैकब जुमा दूसरे देशों के दौरे पर भी जाते तो ये गुप्ता ब्रदर्स उनके साथ होते थे। ना ये नेता थे, ना मंत्री और ना ही अधिकारी, फिर भी जैकब जुमा का हर फैसला इनकी अनुमति से ही होता था। कहते हैं कि गुप्ता ब्रदर्स ने एक सरकारी बैंक से करीब 1.36 अरब का लोन यूरेनियम की खान खरीदने के लिए लिया था और इसके लिए रूस से न्यूक्लियर डील जरूरी थी, लेकिन उस वक्त के वित्त मंत्री नहानला नेने ये बिल्कुल नहीं चाहते थे, इसलिए दिसंबर 2015 में राष्ट्रपति ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। तब उन्होंने मीडिया के सामने आकर जैकब जुमा और गुप्ता ब्रदर्स के रिश्ते उजागर किए। फिर तो लोगों ने जुमा और गुप्ता को मिलाकर इनका नाम जुप्ता रख दिया। यही वो दौर था जब जुमा के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन हुए और आखिर में इन्हें कुर्सी गंवानी पड़ी। गुप्ता ब्रदर्स का कारोबार कंप्यूटर के अलावा कोल माइंस, अखबार और मीडिया आउटलेट तक का है। यहाँ तक कि बिजली और ट्रांसपोर्ट से जुड़े ठेके में भी इनका रोल था। साल 2016 में दक्षिण अफ्रीका के 7वें सबसे अमीर आदमी थे जिनकी संपत्ति 773 मिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गई थी। लेकिन कहते हैं कि एक ईमानदार अधिकारी सारे बेईमानों की पोल खोलकर रख देता है और इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। जब पब्लिक प्रोटेक्टर थुली मेडोनसेना ने 355 पन्नों के रिपोर्ट में इनके एक एक काले कारनामे उजागर कर दिए तब से पुलिस इनके पीछे पड़ी थी। बीते साल इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया और अब जाकर पकड़े गए। ब्यूरो रिपोर्ट।